लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की उस जन्म स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा रहा है। सुबह दबे पांव नीतीश कुमार जी सिताब दियारा जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा स्थित उनके स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए दी। 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में आज मेरा छपरा में आगमन हुआ और छपरा के सभी संभ्रांत नागरिकों से मैं अनुरोध करने आया हूं कि वह सब सिताब दियारा चलें। पहली बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की उस जन्म स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा रहा है और यह पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सम्मान की बात है। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी की जन्म स्थली को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है और इसलिए इस जिले के सभी नागरिकों से मैं अनुरोध करने आया हूँ कि उन सबको इस बार सिताब दियारा जरूर चलना चाहिए। पूरे बिहार में हम लोग लगातार कहते थे कि हर राष्ट्रनायक की पुण्यतिथि और जयंती दोनों मनाई जाए। बिहार सरकार केवल जयंती मनाती है। यह माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का डर है कि रात में सरकार घोषणा करती है कि यह बिहार सरकार का कार्यक्रम होगा और सुबह दबे पांव नीतीश कुमार जी सिताब दियारा जाते हैं। इससे शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है कि किसी मुख्यमंत्री को उसके ही राज्य में राष्ट्रनायक लोकनायक जयप्रकाश जी के यहाँ जाने में एक जिसको कहते हैं दबे पांव जाना पड़े। दिक्कत उनके साथ यह है कि वह कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए हैं और कहीं सोनिया जी को जैसे वो गेट के बाहर खड़े होकर हाथ हिला के अपना परम कर्तव्य मान लिया कि बाहर उनकी तस्वीर आ गई सोनिया गांधी के घर के बाहर, तो सोनिया जी को बुरा नहीं लगे इसलिए वह दबे पांव कल गए थे और यहाँ से सीधे नागालैंड जा रहे हैं जिससे कि बिहार में उनको माल्यार्पण नहीं करना पड़े। तो सुना आपने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया है कि अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्मारक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्मारक को अब राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाएगा, जिसकी घोषणा 11 तारीख को यानी कि 120वीं जयंती जेपी की 120वीं जयंती के मौके पर हमारे गृहमंत्री हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं यहाँ पे सिताब दियारा में, वो जनता को संबोधित करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्मारक के पास उनकी मूर्ति पर जाकर के वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसी दौरान वो घोषणा करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक के लिए। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।